हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके 21 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ उससे साल भर में होने वाले किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान से समझिएगा आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका कैबिनेट निर्णय। कैबिनेट निर्णय में हमारे जो प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, उसे समझिएगा। प्रदेश में एक नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई है। प्रदेश में अब तक 2014 से लेकर के 2019 तक की चौथी औद्योगिक नीति लागू थी 2014 से 2019 तक, 5 साल का टाइम पीरियड था। इस साल वो औद्योगिक नीति आपकी खत्म होने वाली थी। प्रदेश सरकार ने 5वीं औद्योगिक नीति लागू कर दी है। 5वीं औद्योगिक नीति, देखिए प्रदेश सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति लागू की है जो कि हमारे प्रदेश की 5वें नंबर की औद्योगिक नीति है। ये औद्योगिक नीति देखिए, इसका जो समय है, इसकी जो समयावधि है वो रहेगी आपके 2019 से लेकर के 2024 तक, 5 साल के लिए, 2019 से लेकर के 2024 तक ये औद्योगिक नीति लागू होगी आपकी 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक। 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक ये औद्योगिक नीति लागू होगी। अब समझिएगा, देखिए इसमें कुछ, इस औद्योगिक नीति में कुछ आपके प्रावधान रखे गए हैं उसे समझिएगा। स्थानीय निवासियों को आरक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ में जो भी उद्योग स्थापित किए जाएंगे, बाहरी कोई भी, देखिए कोई भी अगर बाहरी कंपनी छत्तीसगढ़ में अपना एक उद्योग स्थापित करना चाहती है तो देखिए उनके लिए स्थानीय निवासियों को आरक्षण देना जरूरी होगा। स्थानीय निवासियों को आरक्षण, समझिएगा। श्रमिक पद, अगर कोई एक बाहरी की कंपनी छत्तीसगढ़ में अपना एक उद्योग स्थापित करती है तो उसे जो श्रमिक पद है, जैसे अकुशल श्रमिक, अगर वो अकुशल श्रमिकों की भर्ती चाहती है, अकुशल श्रमिक मतलब ठेका मजदूर, अकुशल मतलब होता है आपके अनट्रेंड, ठीक, तो अनट्रेंड या फिर अकुशल, यानी जैसे आपके ठेका कर्मचारी, जो आपके ठेका मजदूर होते हैं वो कहलाते हैं आपके अकुशल श्रमिक। तो कोई भी अगर बाहरी आपका उद्योग छत्तीसगढ़ में अपना इस एक इंडस्ट्री स्थापित करना चाहता है तो उसे अकुशल, जितने भी उसके कंपनी में अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता है उसमें 100% आरक्षण या 100% जो आपका रिजर्वेशन है स्थानीय निवासियों को देना पड़ेगा। अकुशल श्रमिकों की श्रेणी का 100% रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को दिया जाना आवश्यक है। सेकेंड नंबर पर है अर्धकुशल या कुशल यानी ट्रेंड, ठीक, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं या जिन्हें कुछ समय का एक्सपीरियंस है काम का, ठीक, तो वो कहलाते हैं आपके कुशल श्रमिक। तो अगर कोई बाहर की कंपनी छत्तीसगढ़ में अपना उद्योग स्थापित करती है और उसके यहाँ अगर कोई आपके भर्तियाँ निकली है किसके लिए, ट्रेंड या कुशल श्रमिकों की यदि भर्तियां निकली है तो कुल भर्तियों में से 70% छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को दिया जाना, या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की भर्ती आवश्यक है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रबंधकीय मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रशासनिक मतलब होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आपके प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो आपकी भर्तियां हैं, ठीक, तो आपके ये जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक श्रमिक पद की जो श्रेणी है उसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को 40% आरक्षण दिया जाएगा। 40% आरक्षण या 40% भर्तियां, कुल भर्तियों का 40% भर्ती छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को दिया जाना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज याद रखिएगा। देखिए कौन सी औद्योगिक नीति लागू हुई है, 5वें नंबर की औद्योगिक नीति, कब से कब तक, 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक, ठीक। इसमें जो स्थानीय निवासियों को अकुशल कैटेगरी के जो आपके श्रमिक रहेंगे उन्हें पूरा 100% रिजर्वेशन दिया जाएगा, या 100% अकुशल श्रमिक उद्योगों में काम करेंगे। सेकेंड है अर्धकुशल या कुशल श्रमिक, लगभग 70% अर्धकुशल और कुशल कैटेगरी के जो श्रमिक है
70% रिजर्वेशन दिया जाना आपका आवश्यक है। और थर्ड नंबर पर है प्रबंधकीय या प्रशासनिक, इस कैटेगरी में 40% छत्तीसगढ़ से स्थानीय भर्ती लिया जाना उन उद्योगों में आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए प्राथमिकता उद्योग यानी इस ये जो आपकी पांचवी औद्योगिक नीति है इसमें किन उद्योगों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें स्पेशली जो टारगेट किया जा रहा है वो है आपके कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को मेन टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा धान की भूसी से जैव ईंधन, इथेनॉल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन निर्माण, बैटरी निर्माण आदि। लेकिन जो प्राथमिकता तौर पर जिस उद्योग को इस नई औद्योगिक नीति में जो आपका प्राथमिकता दी जाएगी वो है आपके कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तीरथ भरत योजना। ये जो तीरथ भरत योजना है इसका पूर्व नाम है आपका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ये जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम परिवर्तन करके उसका नया नाम रखा गया है आपका तीरथ भरत योजना। देखिए ये जो मुख्यमंत्री आपका तीर्थ यात्रा योजना है ये आपका लागू हुआ या प्रभावशाली हुआ, राज्य में यह योजना प्रभावशाली हुई वो है आपका 4 दिसंबर 2012 से यह योजना प्रदेश में लागू हुआ या प्रभावशाली हुआ। इस योजना के अंतर्गत पात्र कौन होंगे? छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी वरिष्ठ नागरिक यानी जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक हो, 60 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जो छत्तीसगढ़ के निवासी हो उसके साथ, और निशक्त जन या दिव्यांग, ये लोग आपके इस मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए पात्र होते थे, ठीक, तीर्थ यात्रा योजना के लिए पात्र होते थे। इस योजना के अंतर्गत ये जो आपके जो पात्र या जो लाभार्थी है उन्हें उनके जीवन काल में एक बार प्रदेश के भीतर या प्रदेश के बाहर एक या एक से अधिक तीर्थ स्थानों के दर्शन कराए जाने का इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है, ठीक। तो यह है आपका मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है आपका तीर्थ भरत योजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक, समझिए। नेक्स्ट है आपका स्थान, देखिए कुछ विशेष स्थान समझिएगा। प्रोसेसिंग सेंटर जो कि छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, समझते चलिए। हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे जो छत्तीसगढ़ में कुछ प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए सबसे पहले नंबर पर है आपका चाय कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेंटर, ये आपका इसे खोला जाएगा आपके जशपुर में। प्रोसेसिंग सेंटर बोलिए या प्रोसेसिंग केंद्र बोलिए, ठीक है। देखिए ये जो आपका चाय कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेंटर है ये खोला जाएगा आपके जशपुर जिला में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आपके बागवानी खेती ज़्यादा मात्रा में होती है, वहाँ पर चाय और कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में आपका चाय कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है आपका मक्का प्रोसेसिंग सेंटर, ये खोला जाएगा आपके कोंडागांव जिले में। तीसरे नंबर पर है कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर, ये आपके गरियाबंद जिला और सूरजपुर जिला इन दो जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है। ये प्रोसेसिंग सेंटर होता क्या है, देखिए ये जो प्रोसेसिंग सेंटर है उसमें कच्चे माल के तौर पर इन्हें उपयोग किया जाएगा, चाय कॉफी कोदो कुटकी, इन कच्चे माल से उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, उसके प्रोसेसिंग करके इन कच्चे माल का प्रोसेसिंग करके उससे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इन कच्चे माल का प्रयोग करके प्रोसेसिंग करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, ये होता है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। तो याद रखिएगा चाय कॉफ़ी प्रोसेसिंग सेंटर जशपुर, मक्का प्रोसेसिंग सेंटर कोंडागांव, कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर वो है आपका गरियाबंद जिला और सूरजपुर जिला। नेक्स्ट है रायपुर जगदलपुर हवाई सेवा, हमारे प्रदेश में जल्द ही रायपुर जगदलपुर हवाई सेवा प्रारंभ होने वाली है, किसके द्वारा, एलायंस एयरवेज जो कि एयर इंडिया की एक सहायक कंपनी है जो कि उड़ान योजना के अंतर्गत रायपुर से जगदलपुर के मध्य अपनी हवाई सेवा प्रारंभ करने वाली है, कौन, एलायंस एयरवेज, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूपेवाड़ा ग्राम कहाँ है, गरियाबंद जिले में, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्री का क्वेश्चन बनना चाहिए, प्री का नहीं बना, मेंस का नहीं बना, लेकिन इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जो सूबेवाड़ा ग्राम है ये इस साल काफी चर्चा का विषय रहा। पहली बात तो ये किस जिले में है, ये गरियाबंद जिले में है, ठीक, सूबेवाड़ा ग्राम। ठीक, देखिए सूबेवाड़ा ग्राम चर्चा में इसलिए आया, इस बार के जो बजट है, जो आपका छत्तीसगढ़ बजट 2019-20 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इस सूबेवाड़ा ग्राम में 2 करोड़ रुपए की लागत से आपका जल प्रदाय योजना लाए जाने की बात कही गई थी। केवल एक इसी ग्राम में जल प्रदाय योजना क्यों लाया जा रहा है, समझिएगा। ये जो आपका सूबेवाड़ा ग्राम है, यहाँ पे किडनी की रहस्यमय बीमारी हो रही है। किडनी की रहस्यमय बीमारी मतलब यहाँ के लोगों को एक अलग प्रकार की एक बीमारी हो रही है, किडनी से संबंधित समस्या हो रही है, जिसके कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों की मौत हो रही है। किस कारण से मौत हो रही है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, गांव के जो स्थानीय निवासी है उनके किडनी काम करना बंद कर रहे हैं, यानी किडनी फेल हो जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इसका अभी यहाँ पे शोध चल रहा है कि इसका मेन रीज़न क्या है। किडनी केवल एक ही कंडीशन में आपका कार्य करना बंद करता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो रीज़न निकल के सामने आया है वो है यहाँ के जो जल है, वहाँ पे जो भूमिगत जल है और जो वहाँ पे जो एकत्रित जल है, जैसे तालाब के जल, नदी के जल, ये जो जल है वो थोड़े दूषित है, जिसके कारण यहाँ पे किडनी संबंधित एक रहस्यमय बीमारी हो रही है। ठीक, काफ़ी चर्चा का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के, मतलब राजकीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ पे किडनी समस्या, जो किडनी संबंधी जो रहस्यमय जो यहां पे बीमारी हो रही है, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि सूबेवाड़ा ग्राम किस जिले में है, तो वो है आपके गरियाबंद जिले में। नेक्स्ट है आपका इंडियन एयरफोर्स एयरबेस, ये आपके नया रायपुर में प्रस्तावित है। काफी पहले से प्रस्तावित था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो जाकर के आपके राजनाथ सिंह से मिले हैं, तो ये जो प्रस्ताव काफी समय से पेंडिंग पड़ा है उस पे कार्य किए जाने की बात अभी चल रही है, यानी इसे जल्द खोले जाने की बात चल रही है। तो याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स एयरबेस कहाँ है, आपके नया रायपुर में, ये प्रस्तावित है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपके सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को कोई एक गांव, एक या एक से अधिक गांव को गोद लेकर के वहां पे बुनियादी सुख सुविधाएं, शहरों के तर्ज पर बुनियादी सुख सुविधाएं दे करके उन गांवों को विकसित करना, जैसे वहां पे जल आपूर्ति करना, वहां पे सड़कें बनाना, बिजली की जो पहुंच है उसे सुनिश्चित करना, तो एक गांव को शहर के तर्ज पर डेवलप करना, ये है आपके सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। तो ये जो हमारे जो प्रदेश की जो आपकी सांसद है रेणुका सिंह, जो कि आपके आदिवासी मंत्रालय, जो हमारे जो केंद्र सरकार के कैबिनेट में राज्य मंत्री का इन्हें दर्जा प्राप्त है, केंद्र सरकार के जो कैबिनेट है उसमें इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है आदिवासी मामलों में। ठीक, तो ये जो आपकी रेणुका सिंह है, इनका जो चुनाव जो क्षेत्र है वो है आपका सरगुजा। ठीक, अब समझिएगा, तो ये जो आपकी रेणुका सिंह हैं, इन्होंने 3 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है। 3 ग्राम पंचायत कौन कौन से है, एक है आपके सरगुजा जिला का सोनतराई, दूसरा है आपके सूरजपुर जिला का आपका झुमरपारा, और तीसरा है बलरामपुर जिला का चिरई। सोनतराई सरगुजा जिला, झुमरपारा सूरजपुर जिला, और आपका चिरई बलरामपुर जिला, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 3 ग्राम पंचायतों को कैबिनेट राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने गोद लिया हुआ है सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट समझिएगा, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2019, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2019। आप सभी को मालूम है अभी नवंबर दिसंबर में आपके छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। कैबिनेट सरकार के द्वारा आए दिन कुछ नए प्रावधान किए जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर के। इससे पहले जो आपके महापौर चुनाव है, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर होते थे, उसे अप्रत्यक्ष कर दिया गया, यानी अब महापौर को पार्षद चुनेंगे। महापौर चुनाव जिसमें महापौर डायरेक्ट जनता द्वारा वोट देकर के चुना जाता था, उसे अब अप्रत्यक्ष कर दिया, यानी पार्षद उन्हें वोट देकर के चुनेंगे। इसमें एक नया प्रावधान और शामिल किया गया है, इस आपके महापौर चुनाव का जो उम्मीदवार है, यानी जो व्यक्ति महापौर चुनाव के लिए खड़ा होगा, उसकी जो आयु है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले ये थी 25 वर्ष से घटा करके इसे 21 वर्ष कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, यानी अब युवा भी महापौर पद के लिए अब एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महापौर चुनाव उम्मीदवार जिसकी आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटा कर दी गई है 21 वर्ष।
ठीक। नेक्स्ट समझिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संशोधन 2019, केंद्र सरकार के द्वारा जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है उसमें संशोधन किया गया वर्ष 2019। देखिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके अंतर्गत पूरे भारत भर में देखिए केंद्रीय सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के राज्य सूचना आयोग, यानी पूरे देश भर के जितने भी सूचना आयुक्त है उनका जो कार्यकाल है उनका कार्यकाल 5 साल से घटा करके कितना कर दिया गया है, 3 साल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटा करके कितना कर दिया गया है, 3 साल। यानी हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के भी आपके जो सूचना आयुक्त है उनका कार्यकाल 5 साल से घटा करके 3 साल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है आपके व्यक्ति विशेष, प्रभतेज सिंह भाटिया, प्रभतेज सिंह भाटिया जिन्हें बीसीसीआई का काउंसलर नियुक्त किया गया है, बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किए गए हैं आपके सौरभ गांगुली, उनके साथ 9 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो कि काउंसलरों की टीम बनाई गई है जो कि चयन समिति के सदस्य होंगे, समझिएगा। तो इस काउंसलर की 9 सदस्यीय टीम में हमारे छत्तीसगढ़ क्रिकेट जो आपके छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष है प्रभतेज सिंह भाटिया, उन्हें बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो 9 सदस्यीय जो काउंसलरों की टीम है उसमें उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट है चित्रकूट विधायक, आप सभी को मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ में उपचुनाव हुए हैं, तो उपचुनाव जो चित्रकूट में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें विधायक के तौर पर चुने गए हैं, विधायक के तौर पर जीते हैं चुनाव, वो है आपके राजमन बेंजाम, कांग्रेस पार्टी के आपके राजमन बेंजाम, जो कि बीजेपी के लच्छूराम कश्यप को उन्होंने हराया है, इनका नाम याद रखिएगा। चित्रकूट के विधायक कौन है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जहां जहां उपचुनाव हुए, जैसे दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुए, आपके चित्रकूट में उपचुनाव हुए, इन दोनों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। यहां के विधायक कौन है, याद रखिएगा, चित्रकूट के विधायक, चित्रकूट उपचुनाव में जो विधायक के तौर पर चुन के आया है वो कौन है, वो है आपके राजमन बेंजाम, कांग्रेस पार्टी, ठीक। नेक्स्ट है राज्य मुख्य सचिव, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं आपके आरपी मंडल जो कि सुनील कुजूर की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य सचिव कौन है, आपके आरपी मंडल है, ठीक। नेक्स्ट है आपका चावल उत्सव, तो चावल उत्सव जिसका आयोजन किया जाना है आपके 7 नवंबर से। ये चावल उत्सव है क्या, पीडीएस के तहत यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक राशन कार्ड धारी एक साथ 2 माह का चावल ले सकता है, एक साथ 2 माह का चावल, यानी आप सभी को मालूम होगा पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आपके अलग अलग कार्ड है, जैसे निःशक्तजन के लिए अलग कार्ड बने हुए, अंत्योदय परिवार का कार्ड है, प्राथमिकता परिवार कार्ड है, निराश्रित कार्ड है, तो जैसे अंत्योदय परिवार का कार्ड है जिसे 1 माह में मैक्सिमम 35 किलो चावल मिल सकता है, लेकिन जो 7 नवंबर से जो चावल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये 7 नवंबर से कोई भी राशन कार्ड धारी, फॉर एग्जांपल जो आपके अंत्योदय परिवार के जो राशन कार्ड धारी है वो एक साथ दो माह का राशन ले सकते हैं, 2 माह का चावल ले सकते हैं, राशन नहीं 2 माह का चावल ले सकते हैं, यानी उन्हें एक कार्ड पर 35 किलो चावल 1 माह का मिलता था, तो वो चाहे इस 7 नवंबर के बाद एक साथ आपके 2 माह का चावल ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की उसमें मतलब राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी नहीं है कि वो 2 माह का ले, वो चाहे तो 1 माह का भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, अगर लेना चाहे तो एक साथ 2 माह का ले सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब देखिए चावलों की ये पुरानी खेप सरकार के पास बची हुई है, अब इस नए जो आपके नए समर्थन मूल्य पर जो सरकार है वो चावलों की खरीदी करेगी, तो ये जो पुराने चावलों का जो स्टॉक बचा रहता है, तो हर साल जो प्रदेश सरकार है एक डेट डिसाइड करके चावल उत्सव का या चावल त्यौहार का आयोजन करती है, जिसमें पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड में एक साथ 2 माह का चावल दे दिया जाता है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत एक साथ 2 माह का चावल दिया जाएगा, 1 या 1.5 माह तक चलता है ये आपका चावल उत्सव, ठीक। ये पूरे साल भर के लिए नहीं रहता, ये आपके नवंबर या दिसंबर तक ही आपके चावल उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक। तो जितने भी डाटा बताए सारे के सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेशली ये जो आपकी औद्योगिक नीति है, हमने आपके अभी जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का जो अध्याय 10 पढ़ा था उसमें ये औद्योगिक नीति को हमने कवर किया था, ठीक। तो उसमें इस आंकड़े को अपडेट कर लीजिएगा, जिन्होंने पीडीएफ परचेस किया है वे भी इस आंकड़े को अपडेट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके ये प्रोसेसिंग सेंटर से पूछा जा सकता है, और आपके ये जो महापौर चुनाव और सूचना आयुक्त है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे आंकड़ों को याद करते हुए चलिएगा।
ठीक। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।